हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर विटामिन सी के बहुत सारे मार्केट में सीरम आते हैं तो हम कौन सा वाला यूज़ करें, कौन सा वाला रियली इफेक्टिव होगा और कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके ऊपर मैं आज एक टेस्ट करके आप लोगों के सामने लाइव देखूंगा कि कौन सा वाला वर्क कर रहा है, कौन सा वाला वर्क नहीं कर रहा है, किसमें विटामिन सी है एक्चुअल में, किसमें नहीं है। तो इसके लिए मैंने मार्केट से टॉप 4 ब्रांड जो मार्केट में है उनको मैं लेके आया हूँ। तो सबसे टॉप पे सिप्ला कंपनी का VCX ये है, और उसके बाद है वीटोनॉमिक्स, और एक है ट्रॉल, और मैं सीजर 20। तो ये 4 ब्रांड के ऊपर मैं आज एक्सपेरिमेंट करूँगा कि इनमें विटामिन सी कितने परसेंट लिखा है और कितने परसेंट है, और है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं, और है तो कितने परसेंट है और कैसे रिजल्ट दे रहा है। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, नीचे एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए तो मेरे जब भी नेक्स्ट अपडेट होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो विटामिन सी जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ विटामिन सी के ऊपर, तो वो हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, और कोई भी अगर डिस्क्रोमिया है, कुछ भी चीज़ है तो उसको ख़त्म करता है, लॉन्ग टर्म में ऑक्सीडेशन को ख़त्म कर देता है। बट बहुत सारी कंपनी मार्केट में विटामिन सी के कैप्सूल आती हैं, विटामिन सी की ड्रिंक आते हैं, विटामिन सी के सीरम आते हैं। तो जो सीरम के आज मैं जो टेस्ट करूँगा वो सीरम के ऊपर करूँगा कि इनमें कितने परसेंट सीरम में विटामिन सी है और कैसे ये वर्क कर रहा है। तो इसके लिए आज मैं एक छोटा सा टेस्ट लगाऊंगा आपके लिए, आपके सामने। इसमें मैं इंडोफिनॉल सोडियम यूज़ करूँगा, आपके सामने सब कुछ होगा आज, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं एक आलू ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं इंडोफिनॉल लगाऊँगा, ठीक है? ओके, आप लोग को दिख रहा है। और अभी हम इसको ओके, ये सब करने के पहले मैं अपना प्रोटेक्टिव ग्लास पहन लेता हूँ। जो मेरी आँखों को बचाएगा थोड़ा, अगर बाई चांस ये आँखों आँखों में ना जाए। अगर आप लोग भी घर में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपने ग्लव्स और ये सब चीज़ों को ज़रूर पहन के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं ये इंडोफिनॉल ले रहा हूँ, और मैं आलू के ऊपर इंडोफिनॉल लगा रहा हूँ, और आज हम टेस्ट करेंगे कि लेमन के अंदर कितना विटामिन सी होता है, होता है कि नहीं होता है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, कितने परसेंट विटामिन सी है वो भी हम आज चेक करेंगे, ठीक है? ये मैं इसमें इंडोफिनॉल लगा रहा हूँ। इसमें जो टॉप 4 ब्रांड मैंने इंडिया से लिए हैं और उनके पर जो अपन लाज लगाने वाले हैं, तो 2 मैंने लिए हैं जो एकदम ही हाई ब्रांड, हाई MRP वाले, जो बहुत ही एकदम प्रीमियम ब्रांड है, लाइक VCX जो सिप्ला कंपनी का है जिसकी MRP है 2250, और वीटोनॉमिक्स जिसकी अगेन उसी की रेंज का है 2250 का है। तो हम 2 प्रीमियम ब्रांड और 2 सस्ते वाले ब्रांड को हम चेक करेंगे आज। और मैं एक चीज़ और चेक करूंगा, एक और मैं आलू काट लेता हूँ। ओके, तो इसमें हम इसमें भी लगा लें थोड़ा, ताकि हमारे पास 4 विटामिन सी सीरम है, और एक हम लेमन को भी यूज करके देखेंगे लेमन कितना वर्क कर रहा है। तो ये 4 मेरे पास आ गए हैं, जिसमें मैंने ये केमिकल लगा लिया है, और ये केमिकल से हम टेस्ट लगाएंगे कि ये कितना परसेंट वर्क कर रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, मुझे भी मजा आएगा। ओके, तो मैं इसके ऊपर अभी ये लगा लेता हूँ और मार्किंग कर लेता हूँ। मैं ओके, जो प्रीमियम ब्रांड, बड़े वाले ब्रांड होते हैं, मतलब जो खूब कॉस्टली हैं, उन पे अपन बड़े आलू पे ट्राई करेंगे। तो वो है VCX सिप्ला कंपनी का, इसमें मैंने एक फ्लैग लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, और वीटोनॉमिक्स ओके, ये इधर
तो हम विटोनॉमिक्स पे विटोनॉमिक्स लगाएंगे और इस पे लगाएंगे, ठीक है। और हम एक और दो ब्रांड है ट्रॉल, इस पे भी फ्लैग लगा देते हैं और सीजर 20। ओके, बाकी मैं एक्स्ट्रा रख देता हूँ साइड में। या मैं एक काम करता हूँ, इतने सारे आलू है ही मेरे पास, तो मैं इन पे एक एक लगा देता हूँ। ओके, ये इस पे फ्लैग और ये इस पे फ्लैग। ओके, तो ये चार मेरे पास हैं। अब मैं जिसका जो रहेगा मैं उस पे ये डालता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं ट्रॉल, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि प्लीज़ कोई सस्ते वाले प्रोडक्ट बताया करें, तो मैं आज आपको मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि सस्ते वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं और महंगे वाले प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव होते हैं। तो ये जो ट्रॉल कंपनी का है, इसमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन, इसमें एल एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ई है, फेलोरिक एसिड है और हाइलुरोनिक एसिड है। 15 ग्राम का है, इसकी MRP 990 रुपये का है और सीटाड्रम कंपनी का है। ये इस टाइप की पैकिंग में आता है, सुंदर सा। और इसको हम, ये मैंने लिया है ट्रॉल, तो ट्रॉल ओके, ये रहा ट्रॉल, ये है ट्रॉल का मैंने लिखा है। इस पर मैं आपके सामने लगाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन लोग मिलके। ओके, मैंने ये विटामिन जो है वो करा है और इसको अपन सामने देखेंगे कितना वर्क कर रहा है। ये 990 रुपये का है, तो जाहिर सी बात है सस्ता है प्रोडक्ट, 15 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसके अंदर कंपनी बोल रही है 20% विटामिन सी है। तो 20% विटामिन सी इसने इसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज किया। ओके, अब हम देखते हैं दूसरे को, ये और बुला दीजिए नीचे से। अब हम देखेंगे सीजर 20, ये भी 20% विटामिन सी इसके अंदर। ओके, ये सीजर कंपनी का है, छोटी सी बहुत प्यारी सी बॉटल है, इसकी MRP भी 990 का है। 990 की दो रेंज है, 20% 20% मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये 990 का है और मैं अपनी छोटी सी लैब में बैठा हूँ आज, इसको मैं निकालता हूँ। ओके, इसको मैं निकाल रहा हूँ और ये है सीजर, सो सीजर ये रहा। ओके, तो हम इसको सीजर पे ट्राई करेंगे आप लोगों के सामने। ओके भैया, सीजर पे मैंने डाला है और इसने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया यार। ये इसने तो 20% लिखा है विटामिन सी, बट इसने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। ₹990 अगर आप ये ले लेते हैं और लगाते हैं ना, तो वेस्ट जाने वाले थे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई इसने विटामिन सी तो 20% इसमें नहीं दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू ये जो टेस्टिंग है जो कि मैं लगा रहा हूँ इसमें, इसको इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए था, बट ये इसने नहीं किया है ये सीजर ने। तो ये तो 990 वेस्ट है, तो प्लीज़ थोड़ा। तो अब मैं बनाऊंगा VCX के ऊपर, ये सिप्ला कंपनी का, इसके अंदर भी विटामिन सी ई एंड फेलोरिक एसिड है। इसकी MRP है 2225 रुपये। ओके, 10 ml का ये सिप्ला कंपनी प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही प्यारी पैकिंग है, बहुत ही बड़ी कंपनी का नाम है, तो रिजल्ट ही बहुत अच्छे होंगे। और 2250 का 10 ml है। ओके, बाकी 15 ग्राम था, तो अभी मैं इसको ले रहा हूँ। ओके, तो हम अभी देखेंगे कि कहाँ है इसका, ये तो विटोनॉमिक्स है। ओके, VCX बड़ी कंपनी का बड़ा आलू, साथ ही साथ हम देखेंगे कितना ये वर्क कर रहा है। जो कि बहुत ही स्लो वर्किंग है। इसको थोड़ा अपना और डाल के देख लेते हैं। ओके, तो थोड़ा ही काम किया।
₹2,250 के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है प्रोडक्ट, 10 ml 2,250, और ये इस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा स्लो वर्किंग है। तो अब हम देखेंगे लास्ट ब्रांड हमारा वीटोनॉमिक्स। ओके, तो ये भी 2,250 का है, ये भी बड़ी प्यारी पैकिंग में आता है, ये पंप पैकिंग में है। ओके, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं और मैं इसको चेंज कर देता हूँ, नया फ्रेश लगाऊंगा। ओके, तो ये विटामिनोमिक्स का, अब इसको देख लेते हैं ये कितना काम कर रहा है। मुझे तो अब डाउट ही होने लगा विटामिन सी के ऊपर, तो इसको भी मैंने डाल दिया और हम इसको देखते हैं कितना काम कर रहा है। ओके, इसने भी न्यूट्रलाइज करना चालू कर दिया है। तो सबसे अच्छा जो न्यूट्रलाइज किया है सीजर ने, तो कुछ भी नहीं करा, बहुत ही कम, बहुत ही बारीक सा। और जो VCX है उसने थोड़ा करा, और VT अपना विटोनॉमिक्स। ओके, तो ये विटोनॉमिक्स है और ये जो ब्रांड है, अभी देखिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। सस्ते वाले किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर ₹990 का आप लेते तो आपका वेस्ट हो जाता पैसा। तो आप ट्राई कर सकते हैं ये विटोनॉमिक्स और VCX में से, दोनों में से ट्राई कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे कि दोनों ने वर्क तो किया है, विटोनॉमिक्स में ज़्यादा वर्क कर रहा है। प्रोडक्ट में हम देखें, कंपैरिजन करें तो विटोनॉमिक्स में विटामिन सी 25% है, हाइलुरोनिक एसिड 5% है, फ्लोरिक एसिड 1% है, विटामिन ई 1% है, जबकि और ये है 15 ml का है ₹2,250 में। और VCX की बात मैं करूं तो इसमें 10 ml में कंपनी दे रही है विटामिन सी, विटामिन ई, फ्लोरिक एसिड, इसमें हाइलुरोनिक एसिड नहीं है, VCX में हाइलुरोनिक एसिड नहीं है। तो अगर आपको हाइलुरोनिक एसिड का फायदा चाहिए तो आप इसको अप्लाई करिए, वो आपकी ड्राइनेस वाइनेस को खत्म करेगा। इसमें विटामिन सी कितना है कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, विटामिन सी कितना है कंपनी ने मेंशन नहीं करा है, और फेलोरिक एसिड भी कितना है उसमें कंपनी ने VTC में, VCX में मेंशन नहीं किया है, जबकि विटोनॉमिक्स ने सब चीजें मेंशन की है। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बट ये ज्यादा क्वांटिटी में है विटोनॉमिक्स और ये कम क्वांटिटी में है। अगर देखा जाए रिजल्ट तो ये दोनों में से वीटोनॉमिक्स ने ज़्यादा जल्दी वर्क किया है, ज़्यादा वर्क किया है, और VCX ने कम वर्क किया है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि भैया लोग कहते हैं कि नींबू में, लेमन में विटामिन सी होता है, तो कितने परसेंट लेमन में विटामिन सी है वो भी हम चेक करते हैं। ये एक कंट्रोल मैंने लेके डाल रहा हूँ। ओके, इसमें मैंने डाला है और विटामिन सी, यार ये तो बहुत ही कम मात्रा में लग रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें तो। मतलब अगर आप सोचो कि मैं लेमन डेली पीऊँ मुझे विटामिन सी मिलेगा, तो जिस क्वांटिटी में, या लेमन लगा लूँ तो जो मुझे विटामिन सी मिलेगा, तो जिस क्वांटिटी में आपको मिलेगा वो बहुत ही माइन्यूट होगी, बहुत ही बारीक होगी, तो जिसका इफेक्टिव कुछ बहुत ही स्लो सालों में होगा, कि अगर लगातार आप 15-20 साल लगा रहे हो तो आपको इफेक्ट मिलेगा। तो विटामिन सी पीने से अच्छा है लेमन को पीने से अच्छा है, या लगाने से अच्छा है लेमन को, किसी भी पैक में मिक्स करके लगा के, या तो कुछ करा ही नहीं इसने, तो इससे अच्छा है कि आप ये वीटोनोमिक्स या VCX या सीजर 20 या इनको देख लें, और आपको क्या लगता है जो भी अच्छा लगे आप उसको परचेस कर सकते हो, बाय कर सकते हो, इनको खरीद के और लगा सकते हो। तो ये आपका विटामिन सी के ऊपर था, ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, विटामिन सी के ऊपर छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको शेयर जरूर कीजिएगा, और आई होप कि आप सस्ते प्रोडक्ट और महंगे प्रोडक्ट में फ़र्क समझ ही गए होंगे कि सस्ते प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ही स्लो वर्किंग होते हैं, बहुत ही कम वर्किंग, बहुत ही माइन्यूट उसमें चीज़ें होती हैं। लाइक हमारे नींबू जो बहुत सस्ता आता है तो बहुत ही स्लो वर्किंग है, तो जो हमें विटामिन सी का इफेक्ट चाहिए
जो क्रीम के थ्रू या किसी भी थ्रू स्किन में, वो इसमें इसके थ्रू नहीं मिल पाएगा उस लेवल पे जिस लेवल पे बाकी जो कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बना के दे रही हैं। तो जो उनके रिजल्ट मिलेंगे वो इनसे 1000 टाइम बेटर होंगे। तो ये लगा लो नींबू या तो फिर सीजर 20 लगा लो, बराबर ही है बिकॉज दोनों ने बराबर से काम किया है, नथिंग। दूसरा VCX एंड दो कंपनी मुझे थोड़ी ठीक लगी हैं, VCX और वीटोनॉमिक्स, दोनों कॉस्टली हैं 2250। देखो दोनों 990 वाली कंपनियों के जो थे सीरम उन्होंने वर्क नहीं किया, तो जो 2250 वाले उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया है। बट अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव देखें तो वीटोनॉमिक्स ज़्यादा इफेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज 15 ml दे रहा है, ये 10 ml दे रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा इसमें। साथ ही साथ में हाइलोरोनिक एसिड भी एक्स्ट्रा है, तो मैं चाहूँगा जो वर्क भी ज़्यादा कर रहा है, तो वीटोनॉमिक्स ने ज़्यादा काम किया है और VCX ने कम काम किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीटोनॉमिक्स लें अगर लगाना है तो, और इस सबको यूज़ करिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। और मेरा वीडियो कैसा लगा इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जाके शेयर कमेंट करिए, और इसको यूज़ करिए प्रोडक्ट को। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ये आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे www.lescomic.com पे। हाँ, एक चीज़ और, ये कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो अभी आप बोलोगे इतना महंगा प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, तो कॉस्टली है तो क्या हुआ यार, लेस्कोमिक वाले बहुत आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट में 10% फ्लैट डिस्काउंट है। साथ ही साथ आप ये सारे प्रोडक्ट आप फ्री में परचेज कर सकते हो, ये सब कुछ फ्री में बाय कर सकते हो, आपको करना कुछ नहीं है। लेस्कोमिक पे जाइएगा, प्रोडक्ट को आप ब्राउजर में जब खोलेंगे तो वहाँ पे एक आएगा प्रोडक्ट के ऊपर रिकमेंड नाउ, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे जाके उसको अपने प्रोफाइल में शेयर कर दो। जैसे ही आप शेयर करोगे लेस्कोमिक वाले आपको 20 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट देंगे, और उस लिंक पे जाके आपके किसी भी फ्रेंड ने अगर कोई परचेस किया तो आपको 200 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जो आपकी प्रोफाइल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और उतने अमाउंट से आप कितना भी परचेस कर सकते हो कोई भी सामान। तो अगर 2200 का है तो ज़्यादा आपको थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ और याद रखिए कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हर बस कंटिन्यूसली शेयर मार रहे हैं, बट ऐसा मत करिएगा, एक घंटे में एक बार शेयर मारेगा तभी वो आपको 20 रुपये मिलेंगे, वरना 20 रुपये नहीं मिलेंगे। तो वेट क्या करो, जल्दी जाओ और शेयर मारो प्रोडक्ट को, और फटफट फटफट परचेस कर लो फ्री में। और स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता।